बिल्कुल भी नहीं डरना है। ये मान लो कि फालतू में पैनिक होते हो, पैनिक्स होने से कुछ होता जाता कुछ नहीं है, नंबर एक भी नहीं बढ़ता, 10 कम जरूर हो सकते हैं। कभी कभी जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे भी लगता था ऐसा कि भाई यार नंबर बहुत कम आते हैं, वो वाली जो लड़कियां हैं क्लास में हमेशा टॉपर लड़कियां ही होती है भाई, वो हमेशा टॉप करती थी, हम लोगों ने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं था कि भाई हम कभी टॉप कर पाएंगे, हमारे कभी एग्जाम में मतलब रिपोर्ट कार्ड में लिखा आएगा कि हम भी फर्स्ट आ सकते हैं, कभी नहीं देखा। तो भैया अपनी इज्जत 10-12 साल तो ऐसी नीलाम होती रही, कब टॉपर बनेंगे कब टॉपर बनेंगे, बनते नहीं, क्योंकि हम भी उस लाइन में भाग रहे थे जो टॉपर बनने की लाइन थी। जब हम 10वीं में आए थे ना, मतलब हम 8वीं से 9वीं में आए थे, सच बताएं तो 8वीं तक हम अंग्रेजी मीडियम पढ़े, फिर हम हिंदी मीडियम पढ़े, हिंदी मीडियम में पहली बार हमने एलसीएम को लघुत्तम समापवर्तन कहना शुरू किया, पढ़ा भी नहीं जाता था, समझा भी नहीं जाता और लिखना भी नहीं आता था प्रॉपर तरीके से। पर भाई साहब 1.5 साल 11वीं 12वीं सॉरी 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं का आधा साल, 3.5 साल तो प्रॉब्लम होती थी चीजों को समझने में, बहुत स्लोवेस्ट स्पीड थी, सबसे स्लोवेस्ट धरती पे मैं ही हूँ उस टाइम पे, मुझे लगता था बैच में कोई मुझे गिन भी नहीं सकता था कि मैं टॉप भी कर सकता हूँ 12वीं में। उसके बाद पता क्या हुआ, अचानक से जो मेरी स्लो स्लो स्पीड थी वो अचानक काम आई, क्योंकि मुझे पता था कभी तो काम आएगी, भगवान थोड़ा ही ना ऐसा करेंगे कि मेरी मेहनत को साइड में कर देंगे, वो तो ऊपर वाला तो देख ही रहा है ना। पर मैं पैनिक नहीं होता था भाई साहब, डरने का तो कभी है ही नहीं, एटीट्यूड तो मतलब अभी भी ऐसा ही, पहले भी वैसा ही था कि भाई ठीक है नहीं समझ में आई, मैं कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा, जिद बहुत हूँ, जिद्दी बहुत हूँ और डरूंगा नहीं। आपको पता नहीं है शायद जब मैं पेपर देने भी जाता था ना तो मुझे तब भी नहीं पता था मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे तब भी लगता था मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूँ, पर मैं पैनिक नहीं होता था। मेरा मेन मूड होता था पेपर को सही करना, पूरा करना, ठीक है कि मुझे गलत नहीं करना है। और उस टाइम पर रिजल्ट आया, बहुत पुराने टाइम की बात है, डेट मेरे को याद है 5 जून की बात है, क्योंकि बहुत हिस्ट्री चेंजिंग वाला टाइम था वो। उस टाइम पे गांव में भाई साहब ढोल बज रहे हैं, गुलदाने बट रहे हैं, सर हमारी लड़की ने टॉप कर दिया, ढूंढ ढूंढ बज रहा है, यहाँ बेइज्जती में बेइज्जती हो रही है, आगे जाके ये पूछ रहा है कोई पास हुआ फेल आया, और तुम्हारे भाई ने क्या करा था ना, लाइफ में कुछ अप डाउन आते हैं, तो मैं भी एक बार स्कूल से रेस्टिकेट हो गया था किसी कारणवश से, ठीक है तो होता क्या यूपी में जनरली लड़ाइयाँ ही होती हैं, तो हम पता नहीं था उस टाइम पे, तो घर वालों ने बस नाम चलवाया था, बाकी मेरी पढ़ाई तो घर पे ही होती थी, खुद से ही करता था, बस एक ट्यूशन जाया करता था, वहां से मैं पढ़ाई करता था और रात भर बाहर पढ़ता था, लेकिन दिन में अपनी इमेज खराब थी, ये तो भाई पढ़ने वाला लिखने वाला बच्चा नहीं है, तो बस ऐसे ही आवारा घर आवारा बच्चा है, सब लोगों के सामने इमेज ये थी। उसके बाद पता है क्या हुआ, उसके बाद तुम्हारा भाई किसी को प्रूव करने के लिए नहीं, बस ये था कि मुझे सीखना है, मैं कोई दुनिया से अलग लाइन में नहीं जाना है, ठीक है भाई। तो भाई मैं करता गया करता गया करता गया, एक टाइम ऐसा हुआ 5 बजे के आसपास मुझे डांटा गया कि भाई कम से कम रिजल्ट तो देख ले, तू पास हुआ या फेल हुआ है, और मुझे भी लग रहा था कि ठीक है पेपर बहुत बढ़िया हुए थे, लेकिन ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। पता लगा भाई साहब यूपी टॉपर के 1% में मैं था, ठीक है, और वो जो 87 गांव थे हमारे, मतलब एक ब्लॉक होता है प्रॉपर, उन सारे ब्लॉकों का टॉपर मैं था, जितने भी स्कूल थे सबका टॉपर तुम्हारा भाई था। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता, आज भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी बोल रहा हूँ, पहले भी 3.5 साल की ऐसे मतलब जीरो से स्टार्टिंग करी थी, ये भी नहीं पता था कि एलसीएम को लघुत्तम समापवर्तन कहते हैं और कंप्रेशन को संपीड़न कहते हैं, कुछ नहीं पता था। उसके बावजूद 3.5 साल बाद मैंने मेहनत करी, और किसी को दिखाने के लिए नहीं, बस टाइम पास करने के लिए, मतलब अपने लिए। और जब रिजल्ट आया 4 साल बाद, मतलब ओवरऑल ऊपर वाले ने बिल्कुल एग्जैक्टली मुझे जो चाहिए था वो दिया, और मेरी सोच से भी बेटर दिया, अगर मैं चाहता था ना भगवान मेरे को ये दे दे, वो तो मिला ही नहीं, लेकिन जो मिला वो उससे 3 गुना बढ़िया मिला। तो भाई आपकी मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जा सकती, कभी भी नहीं जा सकती, आप बस लगे रहो, पैनिक मत होना, ऑल इज वेल का कॉन्सेप्ट है, जनवरी नहीं तो अप्रैल, ठीक है, मतलब चिल रहना है, क्योंकि लाइफ इन पेपर 2 पन्नों से डिसाइड नहीं होगी कि तुम्हारे 2 पन्नों में नंबर कम लिख दिए, हो सकता है कि अगले 10 साल बाद तुम्हारा दिमाग ऐसा यूज हो कि तुम हिस्ट्री चेंज कर दो, है ना भाई, किसी कॉन्सेप्ट की तुम कुछ नया इजाद ही कर दो, इन्वेंट कर दो, रखी रह जाएगी फालतू के लोस। बस बात यह है कि अभी वो टाइम आया नहीं हुआ,
या तुम्हारा दिमाग जो उतना जागृत नहीं हुआ है, वो समय नहीं आया होगा। और एक और बात बताता हूँ, जो इंसान हमेशा ये सोचता है ना, मैं ये कर रहा हूं, मैं इतने घंटे पढ़ रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, जो इंसान मैं बहुत करता है वो एक्चुअली कुछ नहीं कर रहा होता। लेकिन जो बच्चा अपने मन में ये रखता है ना कि मैं कुछ नहीं कर रहा भाई, मैं तो ऐसा ही हूं, और भगवान उसको देख लेते हैं, भगवान उसको देख लेते हैं, अच्छा ये अच्छा बच्चा है, ये क्रेडिट वेडिट खाने के चक्कर में नहीं है, बस ये रोला काटने के चक्कर बेसिस में नहीं है। और जो इंसान ये मान लेता है कि भाई मैं कुछ नहीं कर रहा, भगवान उसके हाथों से बहुत बड़ा काम करवाते हैं। अब वो समय कब आएगा तुम्हारी लाइफ में तुम्हें देखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। बट होप होनी नहीं है, पैनिक होना नहीं है। आई होप आपको आज की क्लास का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।